ما هو بالكل يعني تقيم فيه من الشرق واسماك تقيم من اليمن في افطار ماركيت. ماركيت هذا يقيم من الساعه 6 الصباح حتى الساعه يمكن 2 الظهر، هذا دوام الماركيت. ادار سي مربط سي حاسيك سي حاسيك سي فوري سوت سي بسوت سي او سو امي سي لیم دوكوم سے مچھی اتا ہے تو یہ بھی پرابلم فیس کرنے والی بات یہ چیلنجنگ مومنٹ مشکل یہ ہے وہ سمندر سے ہوا ہے نا باہر थोड़ा ऊपर है इसलिए मच्छी नहीं आता है। हाँ हाँ तो गाइज देखो हम मार्केट में आते हैं, हमें एक सब्सक्राइबर मिल गया, नाम बताओ। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम सैयद मोहम्मद सैयद अली। मच्छी सेल करता है ना उमानी लोग, मच्छी सेल करता है इधर, मच्छी आता है बाद में इधर मच्छी सेल करता है, इधर आता है काट करता है, काट करके बाद में सुबह 6 बजे से चालू होता है, शाम को 9 बजे 10 बजे खलास होता है। बिल्लाल मोहम्मद बिल्लाल। चलिए शुक्रिया। ये ऊँट का गोश्त जो है ना ये 3500 है, जबल को होता है, ये शुमाली नहीं है, शुमाली जो गोश्त है वो होता है तकरीबन 2400। ओके ये भी चैम्पूनी है किलो और रियल, ये भी आइला पारा है 700 किलो, ये भी आइला है 1200, ये भी शारी है नुगली है। दोस्तों हम मार्केट के अंदर आ गए हैं, तो मार्केट के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मीट मार्केट हमने बताया था, वेजिटेबल मार्केट और फिश मार्केट। तो फिश मार्केट में अभी एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, कुछ दोस्तों से बात करेंगे जो वहाँ पर काम करते हैं, वो हमें रेट्स बताएंगे और चीज़ों को बताएंगे। एक्चुअल में मार्केट का अभी टाइम नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हो मार्केट अभी क्लोज है, क्योंकि मार्केट का मॉर्निंग का टाइम होता है, एक्चुअल में मॉर्निंग में ओपन होता है मार्केट, तो मॉर्निंग में हमें आना था, तो अभी मॉर्निंग में आ नहीं पाए, तो अभी हम फिर भी कोशिश करते हैं कुछ चीज़ें जो मिल सकता है हमें वो आपको दिखाते हैं, वो मार्केट के बारे में बताते हैं, क्योंकि बहुत पुराना और काफ़ी फेमस मार्केट है सलाला का। तो चलिए देखते हैं अंदर। 1987 में ये स्टेबलिश किया था यहाँ की गवर्नमेंट ने, तो काफ़ी स्टेबलिश है, सिस्टमेटिक है। एक मस्जिद भी है इधर, आप देखें छोटा सा मस्जिद है, तो ये मस्जिद मार्केट वालों का है, यहाँ पर वक्त के हिसाब से नमाजें होती हैं। तो चलिए हम मार्केट घूमते हैं। गाइज ये भाई फ़िश निकाल रहे हैं, और ये ख़ास तरह का फ़िश है जिसे शार्क फ़िश कहा जाता है, ये शार्क फ़िश है, इसकी नस्ल अलग ही होती है। ये कुछ ड्राई फ़िश है जिन्हें ये यहाँ पर ये भाई पैक भी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी सेल हो गया। बहुत सी ड्राई फिश होते हैं, आगे देखते हैं ये भाई क्या कर रहे हैं। अलग अलग टाइप के फिश इन्होंने बकेट में रखे हैं, तो पूछते हैं इनसे कुछ क्या क्या है इनके पास। सो गाइज जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये भाई फ़िश बेच रहे हैं, और फ़िश का हम रेट पता करने वाले हैं, तो ये हमें बताएंगे क्या कितने कितने का है, कौन कौन सा फ़िश है। आपका नाम? हमारा नाम साकिल है, अब्दुल्ला है। चैम्पूनी है किलो और रियल, ये भी आइला पारा है 700 किलो, ये भी आइला है 1200, ये भी कलाई है 1 रियल, ये भी शारी है नुगली है 1 रियल, ये भी मनाया और रियल, ये भी सुल्तान अब्रेम 1 रियल 500, ये भी और रियल कलाया, ये भी तुंदले 1 रियल 700, ये भी 1 रियल 200 किंग फिश, ये भी पारा है टेस्ट पारा है 1 रियल किलो, ये भी छोटा तुंदले और रियल 600। हाय हाय फ्रेश जी, सुबह का टाइम है फिश मार्केट का, देखें कितना सारा पब्लिक है इधर, और फिश तो ज़बरदस्त है यार, यहाँ पर क्या बात है, ज़बरदस्त ऑसम एक नंबर का फिश। क्या होते हैं फिशर्स, बहुत सारे लोकेशन से फ़िशिंग करने के बाद यहाँ पर सप्लाई करते हैं, बड़े बड़े फिश है यहाँ पर। देख सकते हैं
कुछ दिख रहा है। ये है यहाँ का फिश मार्केट, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो फी नफर उमानी फी तरतीब शमक सो कलाम عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحين عندنا موسم الخريف، وموسم الخريف تجي فيه الأسماك من كل مناطق السلطنة، وفي صلالة تكون الأسماك يعني ما هو بالكل، يعني تجي فيه من الشرق وأسماك تجي من اليمن، والأسماك في الخريف تكون يعني متغلغلة شوي قليلة، والحمد لله رب العالمين. في موسم الصرب، في موسم الفتوح، والحين الخريف. وقت في افطار ماركت ماركت هذا يجي من الساعة 6 الصباح حتى الساعة يمكن 2 الظهر، هذا دوام الماركت. بعد في بين اسال سمك نفرات نفر، في يجي من ريسوت، في من طاقة، في يجي من حاسك، في من شرق شربدايات، من القازر، من الولايات كلها الحمد لله. والاسماك متوفرة الحمد لله في السلطنة رب العالمين، اسماك متوفرة جدا، شطرو، خامور، كنعد، ثراحة، قمل، جميع الأسماك الحمد لله، والقيدر ما شاء الله وتفر. والحين موسم مع الخريف والأسماك تكون حلوة جيدة ما شاء الله. سلام عليكم. شكرا. يه سبسي بڑا فش يهان کا سو گائز ہم فش مارکٹ میں تھے، یہ بھائی سیل کرتے ہیں فش، ان کا ایک شاپ ہے، तो इनसे पूछते हैं क्या कुछ है यहाँ पर, कैसे कैसे ये लोग तरतीब करते हैं फ़िश का, और कहाँ से आता है, और ये फ़िश जो भी आता है ये लोग कितने बजे मार्केट इनका खुलता है, कैसे कैसे बेचते हैं, ये सब बताने वाले। तो चलिए पूछते हैं इनसे। भाई आपका नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम प्रिय व्यूअर्स, मेरा नाम रिजल करीम जानी है, मैं बांग्लादेश का आदमी है, मेरा अरबी का दुकान में काम करता है, ये सलाला फ़िश मार्केट है बड़ा वाला, बाद में इधर से मारबाद से, हासिक से, हासिक से, और यसुद से, यसुद से, और स्वामिया से, लेम दुकुम से मच्छी आता है, दुकुम, और सुबह 7 बजे खुलता है, बाद में शाम को 6 बजे 6:30 बजे बंद होता है। अभी मच्छी थोड़ा कमती आता है, इसलिए समुद्र से हवा है, तो ये सीजनल भी होता है, कभी कभी हवा ज़्यादा होने की वजह से फ़िश मिलता नहीं है इनको, तो ये भी प्रॉब्लम फेस करने वाली बात, ये चैलेंजिंग मोमेंट है। वो समुद्र से हवा है ना, बाहर थोड़ा ऊपर है इसलिए मच्छी नहीं आता है। हाँ। बाद में एक महीना बाद में ज़्यादा आदमी आएगा, कतर का आदमी आएगा, दुबई का आदमी आएगा, हर मुल्क का आदमी सलाला में आएगा। अभी इधर थोड़ा बारिश आएगा। अच्छा, तो गाइस ये खरीफ का टाइम होता है जिसमें बाहर के लोग आते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा क्राउड होता है इस सिटी में, स्पेशली सलाला में, तो यहाँ पर इन लोगों का बिजनेस थोड़ा बढ़ जाता है, ज़्यादा होता है बिजनेस। और गोश्त का मार्केट में, गोश्त का मार्केट भी चलता है, सब्जी का मार्केट में, सब्जी का मार्केट में, पूरा जगह में थोड़ा आदमी ज़्यादा आता है। गाइस यहाँ पर कटिंग एरिया है, यहाँ पर फिश कट करते हैं ये लोग। आइए अंदर से देखते हैं हम लोग कैसे कैसे कटिंग करते हैं, क्योंकि ये मार्केट जो है फिश का है, ये भाई भी कस्टमर है, कटिंग कराने आया। सो गाइस फिश कटिंग होता है इस एरिया में स्पेशली, यहाँ पर लोग ख़रीदने के बाद देते हैं यहाँ पे कटिंग करने के लिए, तो इस जगह पे फिश कटिंग होता है। सुबह 6 बजे से चालू होता है, शाम को 9 बजे 10 बजे खलास होता है, तो हम लोग सफाई का काम करते हैं इधर बस। तो आप लोग कंपनी वाले हैं? क्लीनिंग सर्विस। शुक्रिया, आपका नाम क्या है? बिल्लल, मोहम्मद बिल्लल। चलिए शुक्रिया। मेरा नाम अबू ताहिर, मैं बांग्लादेश का है, वो उधर मच्छी काट करता है, वो मेरा कंपनी का काम है, मैं कंपनी का काम करता है। वो हम लोग 6 बजे आता है ना, 6 बजे 3 बजे ब्रेक होता है एक टाइम, बाद में और 9 बजे शाम बंद करता है, या तो 9 बजे बंद करता है। ये इधर मच्छी आता है, उधर लाहा में, ये साइड में लाहा में, और मोटान बोलता है ना, अरबी लाहा बोलता है, हिंदी में मोटान बोलता है, उधर मोटान है। बाद में ये साइड में है ना, बड़ो मच्छी आता है, वो साइड में मच्छी सेल करता है। तो यहाँ पर कुछ एक आधी शॉप है, बाकी ये भाई यहाँ पर सेल करते हैं, बाकी तो मार्केट क्लोज है, सारी चीज़ें बंद है।
तो इतना कुछ है नहीं यहाँ पर, क्योंकि मॉर्निंग में ही खुलता है मार्केट। यहाँ कुछ ग्राहक है जो यहाँ पर शायद परचेस कर रहे हैं, तो इन भाई से पूछते हैं थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? शेख अब्दुल वाहिद। शेख भाई, आप थोड़ा मार्केट के बारे में बताएं, कितने बजे खुलता है और क्या क्या चीज़ें बेचते हो आप? मार्केट सुबह 7 बजे खुलता है, रात को तकरीबन 9 बजे बंद होता है। यहाँ पर क्या क्या बेचते हैं जैसे? यहाँ पर ऊँट का गोश्त होता है, मच्छी होती है, और उसके बाद पाए सिरी, और उसके बाद कलेजी, उसके बाद में बकरी का गोश्त है, हरण का गोश्त है, सब है। इनका प्राइस क्या होता है गोश्त का, पाए का और बाकी सब? ये ऊँट का गोश्त जो है ना, ये 3500 है। गाय का गोश्त भी 3500 है। ये जबल का होता है, ये शुमाली नहीं है। शुमाली जो गोश्त है वो होता है तकरीबन 2400। ओके, ऊँट का चर्बी 2000 किलो है। ये ऊँट का चर्बी है, ये 2000 किलो होता है इधर में ना। ये मुश्काक के लिए लोग लेके आते हैं, मुश्काक लगाता है उसके लिए। दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पर, मतलब काफ़ी लोग आते हैं? हाँ, यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं सुबह तकरीबन 7 बजे, तो इस टाइम तकरीबन चले जाते हैं 2-2.5 बजे ना। इस मार्केट का लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिस भी भाई को यहाँ पर आना होगा। ये फिश है जो पिकअप से अभी उतार रहे हैं कुछ लड़के लगे हुए हैं, बाकी तो डे टाइम में ही रहता है इनका मेन मार्केट मॉर्निंग। ये फिश के बॉक्स है जो फिशर्स पकड़ के लाते हैं सी साइड से, तो इस तरह के बॉक्स होते हैं जिनमें वो स्टॉक करके फिश लाते हैं। ये देख सकते हैं आप, फिश स्टोर करके लाया जाता है अलग अलग सी साइड से, जहाँ पर भी फिशिंग होता है। और काफ़ी सारे यहाँ पर ट्रक है, ये गाड़ियाँ हैं जिनमें फ़िशें आती हैं। आप रात भर में यहाँ पर फ़िश आ जाती हैं, जो फ़िशिंग करते हैं लोग वो ओमानी लोग होते हैं, कुछ नॉन ओमानी होते हैं जो इनका हेल्प करते हैं, तो वो सब लोग अलग अलग स्पॉट पर फ़िशिंग करते हैं सी, अलग अलग बीचेस पे सी के अंदर जाकर। तो वो अलग अलग स्पॉट से ये गाड़ियों में फ़िश आता है, जो यहाँ पर बड़ा काफ़ी बड़ा मार्केट लगता है फ़िश का।